जयपुर से बड़ी खबर, केंद्र की ओर से आज वैक्सीन की 2 लाख डोज उपलब्ध करवाई जाएगी। शाम 5 बजे जयपुर पहुंचेगी वैक्सीन, कोविशील्ड के 2 लाख डोज उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रदेश में वैक्सीन की कमी के चलते ये वैक्सीन की मांग की जा रही थी, जिसको तुरंत अमल में लाते हुए ये वैक्सीन की डोज आज पहुंच जाएगी। कोविशील्ड के 2 लाख डोज आज प्रदेश पहुंच जाएंगे। कहीं ना कहीं राहत की खबर, इससे कहना गलत नहीं होगा। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर प्रदेश भर में जो वैक्सीन की कमी देखी जा रही थी, उसकी वैक्सीन की मांग को पूरा करते हुए शाम 5 बजे आज जयपुर ये वैक्सीन पहुंच जाएंगी। करीब 2 लाख डोज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं कोविशील्ड के, जो आज पहुंच जाएंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता लोकेश ओला फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। लोकेश, एक राहत भरी खबर भी यहां पर हमें सुबह सुबह मिली है, जहां 2 लाख डोज कोविशील्ड के प्रदेश पहुंचने वाले हैं। देखिए भारती, 2 लाख डोज राजस्थान के लिए पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ जहाँ पूरी वैक्सीनेशन का स्टोर है वो समाप्त हो चुका है राजस्थान के पास में, और इसी बीच में 2 लाख डोज उपलब्ध करवाना कोई अधिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन ही 4 लाख से अधिक, एक बार अभी 5 दिन पहले 4 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन के जो टीके हैं वो लग रहे थे जी। और वैक्सीन की कमी के चलते ही इसकी संख्या लगातार कम हुई है। 11 अप्रैल को 4.5 लाख के करीब डोज उपलब्ध करवाए गए थे, वो भी अब समाप्त हो चुके हैं, और आज 2 लाख डोज और उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कल ही 1,40,000 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका राजस्थान में लगाया गया है, और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है, और इस बीच 2 लाख की डोज उपलब्ध करवाना कोई अधिक पर्याप्त नहीं है। हालांकि ऊंट के मुंह में जीरा जैसी समान है, लेकिन 2 लाख डोज उपलब्ध करवाना भी यानी कि है कि वैक्सीनेशन के काम को आगे और धक्का देके चलाना है। और इसी बीच आज केंद्र सरकार की ओर से शाम 5 बजे कोविशील्ड के 2 लाख डोज और उपलब्ध करवाए जाएंगे। जयपुर 5 बजे पहुंच जाएगी कोरोना की ये खेप और वैक्सीन की ये खेप, और उसके बाद में आगे इनको सभी जिलों को सप्लाई करने का काम किया जाएगा। जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम राजस्थान में किया जा रहा है, जो बहुत तेजी से हो रहा था, और उस बीच में बीते 5 से 6 दिन में जो रफ्तार है वो लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि वैक्सीन की कमी के चलते ही राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम है वो ये कम हुआ है। क्योंकि पहले देखा जाए तो जहाँ लोगों की जागरूकता कम थी, लेकिन जागरूकता जैसे ही राजस्थान के लोगों में बढ़ी और वैक्सीनेशन का काम तेजी से हुआ, जिसमें तकरीबन 4.5 लाख से अधिक लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लगाने का काम वो किया जा रहा था, लेकिन वैक्सीन की कमी के बाद में इसमें लगातार गिरावट आई, और वैक्सीन की खेप खत्म होने के बाद में ही 11 अप्रैल को केंद्र सरकार की ओर से 4.5 लाख के करीब डोज उपलब्ध करवाए गए थे, और आज फिर 2 लाख डोज और उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ऐसे में जो पर्याप्त मात्रा में जो डोज उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन काम धीरे हो रहा है, लेकिन आज 2 लाख डोज उपलब्ध करवाने के बाद में एक बार फिर से इसको थोड़ी रफ्तार है वो दी जाएगी जी। लोकेश, आगे का क्या कदम रहेगा? क्या फिर से प्रदेश सरकार को केंद्र से वैक्सीन की मांग करनी होगी या अपने आप वहां से भेजी जाएगी? देखिए भारती, जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है और वैक्सीनेशन की जो वैक्सीन की कमी है, और उसी के चलते लगातार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर बताया था, मांग की थी कि राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाए, ताकि इस वैक्सीनेशन का काम तेजी से हो और सभी लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जा सके जी। इसी के बाद में 4 लाख डोज उपलब्ध करवाए गए थे तकरीबन 4.5 लाख के करीब, और आज और 2 लाख के करीब डोज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि वैक्सीन अधिक मात्रा में पहुंचे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करके कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके जी। अनुमानित क्या आंकड़ा है लोकेश, कि कितनी वैक्सीन और प्रदेश भर में चाहिए होंगी? देखिए राजस्थान की जो जनसंख्या है तकरीबन 8 से 9 करोड़ के करीब है। अब तक की बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को 1 करोड़ 13 से 14 लाख के करीब वैक्सीन है वो उपलब्ध करवाई है। इसमें 1 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाने का काम है वो किया जा चुका है। साथ साथ
जो राजस्थान को अब तक उपलब्ध करवाई है, जिसमें 2,15,000 के करीब वैक्सीन आर्मी को उपलब्ध करवा दी गई, साथ साथ 5 से 6% जो मैक्सिमम जो कोटा है वो जो खराब वैक्सीन होने का है, जो वेस्टेज आ रही है उसका है, और उसके बाद में जो वैक्सीन के जो डोज शेष बचते हैं वो लोगों को लगाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में जिस तरह से केंद्र सरकार के अब इन दिनों उपलब्ध करवाई जा रही है वो जो पर्याप्त नहीं है, ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले भी मांग की थी कि राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाया जा सके। साथ साथ जो मुख्यमंत्री ने एक और मांग की थी कि 18 वर्ष से अधिक लोगों को यह टीका लगाने की अनुमति दे, ताकि जो वेस्टेज हो रही है जो वैक्सीन उसका भी सदुपयोग हो सके और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन करके लोगों को कोरोना होने से बचाया जा सके। जी बिल्कुल लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने बताया कि ऊंट के मुंह में जीरा बराबर, ये वैक्सीन आज शाम 5 बजे जयपुर पहुंच रही हैं। करीब 2 लाख डोज कोविशील्ड की आज उपलब्ध हो जाएंगी राजस्थान प्रदेश भर के लिए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है क्योंकि वैसे भी देश भर में राजस्थान अग्रणी रहा है वैक्सीन लगाने के मामले में, और जैसे ही प्रदेश की जनता जागरूक हुई तत्परता से और बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाई हैं जनता ने भी, और बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो पूरी तत्परता के साथ जल्द से जल्द सभी को वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है।